घुसे चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। कर्मचारी सोते रहे और चोर लॉकर में से 50,000 नकदी और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया। घटना में सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के बायपास का है, जहां मौजूद इंडियन पेट्रोल पंप पर देर रात अज्ञात चोरों ने ऑफिस में घुसकर ऑफिस की तिजोरी तोड़कर लॉकर में रखे 50,000 नकदी और कर्मचारियों के दोनों मोबाइल चोरी कर फरार हो गया। घटना के वक्त कर्मचारी ऑफिस में ही सो रहे थे और उनको भनक तक नहीं लगी। जैसे ही आवाज सुनी, नींद खुली तो अज्ञात चोर भागते हुए नजर आए। घटना में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसके आधार पर फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। हालांकि इससे पहले भी 10 दिन पूर्व एक पेट्रोल पंप पर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया था। वहीं कर्मचारी से चोर की हाथापाई भी हुई थी, लेकिन शातिर चोर भागने में कामयाब रहा। अब पुलिस फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुटी है। पेट्रोल पंप स्वामी यहाँ पे आए हैं, जिनके द्वारा बताया गया है कि उनके जब कर्मचारी रात में अपने कैबिन में सो रहे थे, तो कोई अज्ञात व्यक्ति आके उनके कैबिन में घुस के और कुछ नकदी तथा उनके दो मोबाइल उठा के ले गया है। उस संबंध में हम कार्रवाई कर रहे हैं, फुटेज हमने प्राप्त किए हैं और शीघ्र ही उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आपराधिक पिता की जमानत कराने के लिए युवक ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जहां अपने दोस्त के साथ में महिला का पर्स छीन कर फरार हो गया था। घटना में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों से दोपहिया वाहन भी चोरी का बरामद किया गया है। दरअसल मामला जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के बैराठी कॉलोनी का है, जहां सरिता नामक 55 वर्ष की महिला अपने घर जा रही थी। इस दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने महिला का पर्स छीना और फरार हो गए। घटना में महिला को गंभीर चोटें भी आई थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी यसीद खान और अयान अब्बासी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पहले बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया। पूछताछ में बताया कि यसीद के पिता जेल में बंद हैं और उनकी जमानत के पैसों की जरूरत के लिए उसने लूट की घटना को अंजाम दिया था। हालांकि पूर्व में भी दोनों ही अपराधियों पर कई प्रकरण दर्ज हैं। वहीं आरोपी से चोरी के दोपहिया वाहन और लूटा हुआ पर्स और रुपए बरामद किए गए हैं। इसको लेकर लगातार लोगों से पहचान कराते रहे और अंततः एक हफ्ते के भीतर भीतर ही हमें इसमें सफलता मिली। दोनों आरोपियों की पहचान हुई। इसमें पूर्व में जो लूट में हमारे यहाँ गुड्डू और उसका सौतेला बेटा आदिल गिरफ्तार हुए थे, वो भी पर्स स्नैचिंग में गिरफ्तार हुए थे, जो अभी वर्तमान में जेल में है। इसी का लड़का यासिर खान और इसका एक दोस्त यामिन खान, ये दोनों गुलियार कॉलोनी में रहते हैं, ये इस प्रकरण में गिरफ्तार किए गए हैं। इनसे लूटा गया पर्स, मोबाइल आदि जब्त कर लिया गया है। साथ ही जो मोटरसाइकिल इनसे मिली है वो भी चोरी की है। ये थाना जूनी इंदौर से ही कुछ दिन पहले चोरी हुई थी। खरगोन में टैंकर हादसे में अब तक कुल 10 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना वाले दिन जहां 2 लोगों की मौत हुई थी, वहीं कल 5 लोगों की उपचार के दौरान मौत हुई। वहीं आज 3 लोगों ने अपनी आखिरी सांस ली। लगातार हो रही मौत से गांव में मातम पसर गया है। टैंकर हादसे में मृत 7 ग्रामीणों के शव इंदौर से अंजन गांव पहुंचे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शनिवार को 5 और आज 3 मरीजों की इंदौर में उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे में मृतकों के शव पहुंचने से गांव में मातम पसर गया है। पूरे गांव में जहां घटना को लेकर चर्चा है, वहीं लोगों का भी रो रो कर बुरा हाल है। गांव के लोगों में अपनों को खोने का दर्द साफ दिखाई दे रहा है। वहीं लोग एक दूसरे को ढांढस बंधाते भी दिखे। क्षेत्रीय विधायक केदार डाबर, एसडीएम ओम नारायण सिंह और प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद रहा। 26 अक्टूबर को बिस्तान थाने के अंजन गांव में टैंकर पलटने के बाद आग में 23 ग्रामीण थे झुलसे। 17 मरीजों को इंदौर रेफर किया गया था। अभी तक उपचाररत लोगों में 3 लोग गंभीर बताया जा रहा है, जिसको लेकर गांव में काफी चिंता है।